आवाज में आज बात शराब की। शराब खराब है ये सब जानते हैं, शराब जान लेती है ये भी सब जानते हैं, मगर छत्तीसगढ़ में यही खतरनाक शराब और घातक होने जा रही है। सूत्रों की माने तो सरकार ने एक फैसला किया है कि अब छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक की बोतल में शराब बिकेगी। यही नहीं, इसके लिए बाकायदा टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। समस्या ये है कि कोई भी शख्स बोतल लेने के बाद अमूमन फौरन नहीं पीता है, ऐसे में प्लास्टिक में पड़ी रहने वाली शराब और ज्यादा घातक हो जाएगी। हालांकि सरकार इस बात को ना तो स्वीकार कर रही है और ना ही सिरे से खारिज ही कर पा रही है। प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बीजेपी हमलावर है, तो सवाल ये भी कि सरकार तो शराबबंदी की तरफ बढ़ रही थी, बड़ी तेजी से आगे जा रही थी, फिर कहां से ये प्लास्टिक के चक्कर में पड़ गई। तमाम सवाल है जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। एक कहावत है पुरानी, नई बोतल में शराब पुरानी। वैसे अगर शराब ज्यादा पुरानी हो जाए तो कहते हैं वो और कीमती हो जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये सारी कहावतें और तथ्य बदलने वाले हैं, क्योंकि शराब की बिक्री पर छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ऐतिहासिक मगर अजीबोगरीब फैसला लेने जा रही है। बघेल सरकार अब प्रदेश में प्लास्टिक की बोतल में शराब बेचेगी। जी हाँ, आप सुनकर हैरान रह गए होंगे, लेकिन ये सच है। सूत्रों की माने तो खबरें तो यहाँ तक हैं कि सरकार ने बाकायदा इसके लिए टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। हालांकि ना तो सरकार इस पर खुलकर हाँ बोल रही है, ना ही इसे नकार पा रही है। जो शराब की बोतल है उसको बदली जा रही है, प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल होगा, इसको हम लोग अभी सोच रहे हैं। अरे अभी 1 तारीख तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, प्लास्टिक होगा नहीं होगा हम उसको विचार कर रहे हैं। मतलब शायद कांच की बोतल में आजकल टूटने का ज्यादा मात्रा में होने जा रहा है, टूटने से नुकसान होता है, तो इसलिए उसकी वजह से हम लोग बिसर कर रहे हैं, पूरा बिसर नहीं हुआ है। सुना आपने, क्या गजब दलील दे रहे हैं मंत्री। मंत्री जी कहते हैं कांच की बोतल टूट जाती है, नुकसान होता है, लेकिन सवाल ये है कि ये सरकार तो शराबबंदी की तरफ बढ़ रही थी, फिर अचानक शराब के नुकसान की चिंता क्यों सताने लगी। अपनी सरकार में शराब बेचकर किरकिरी करा चुकी बीजेपी अब इस नए हथियार के सहारे बघेल सरकार पर हमलावर है। ये निर्णय कमीशन खोरी के लिए लिया है सरकार ने, वो डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार पर आरोप लगाती है, लेकिन खुद इस प्रकार के निर्णय लेकर लोगों को जहर पिलाने का काम करेगी। शराब प्लास्टिक की बोतल में रखा जाएगा, अगर लंबे समय तक रखा जाएगा तो शराब खराब हो जाएगा। सवाल ये है, क्या वाकई प्लास्टिक की बोतल में शराब खराब हो जाएगी, और क्या ये सेवन करने वालों के लिए दोगुनी घातक हो जाएगी। जरा इसका जवाब भी सुन लीजिए। प्लास्टिक केमिकल्स प्रोसेस से बना हुआ रहता है, तो जिसमें बहुत सारे होते हैं, पॉलीथिलीन होते हैं, DEHA हम लोग बोलते हैं, डाइएथिल हाइड्रोक्सिल एमीन होते हैं, ये सब कार्सिनोजेंस होते हैं, जो लॉन्ग टर्म में पिचिंग बोलते हैं इस वर्ड को, कि अल्कोहल पिचिंग हो जाएगी इन कार्सिनोजेंस की, तो जो पीने वाले हैं उनको दिक्कत होगी। ऑलरेडी अल्कोहल एक सही चीज तो है नहीं, और उसमें आप और मिलावट करना ही करेंगे लॉन्ग टर्म में, क्योंकि कोई भी अल्कोहल लेता है तुरंत नहीं पीता है। सरकार अजीबोगरीब फैसला लेने जा रही है, मगर सवाल कई हैं जिनके जवाब जनता जानना चाहती है। सवाल ये है, प्लास्टिक की बोतल में शराब क्यों खराब नहीं होगी। सवाल ये, पहले से शराब हानिकारक है और उसे और घातक करने की कोशिश क्यों की जा रही है। सवाल ये कि कांच की बोतलों की जगह बड़ी तादाद में इस्तेमाल में लाए जाने के बाद ये प्लास्टिक जाएगा कहाँ, पर्यावरण को दूषित होने से कैसे बचाया जाएगा, और सबसे बड़ा सवाल, शराबबंदी की राह में ये कौन सा यू टर्न है जिस पर सरकार चल पड़ी है। सुदीप त्रिपाठी, जी मीडिया, रायपुर। तो सवाल बहुत सारे हैं और 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं विकास